क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी SHO करिश्मा सिंह से लेट SHO करिश्मा सिंह हो गई, जैसे अब आप होने वाले। इतनी भी जल्दी क्या है भैया, पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो, तुम भी गन रखो नीचे, रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई, अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भैया, क्या चूरन समझो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाके नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से। तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी। आप जानती हैं अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, क्योंकि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा, हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। जाते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया है स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भाई अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, हवा हूं मैं हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी। तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा जी, समझते क्या हो? हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कुछ छू के तो देखे, उसे तोड़ कर रख देंगे हम, समझे? तोड़कर। क्यों, थुकाई हो गई ना? गिरफ्तार कर लो इसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं। तुम और आप, हाँ, अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत पी रखा है, जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है गोली, चलती है ना तो लगती है। परवाह आपको कि आपके पीछे लल्ला है, हम है? क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए। मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी,
नोट काहे लिख दिया आप? कुछ नहीं हुआ हमको, काहे घबराती इतना? और आप क्या इतनी जल्दी पीछा छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आप पूछ लीजिए से। लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ये भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा सिंह, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं, पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, ये दिल चाहता है। मैडम सर, ये थाने में कुछ फ्री में बट रहा है क्या, हम भी लाइन में लग जाएं? अरे गजब का आदमी है भैया, बताइएगा नहीं कि क्या हुआ। हाँ। तो कैसे केस लिखेंगे, रोना बंद कीजिए, बोलिए तो सही। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। एक मिनट भैया, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है, आ रहे हैं, लिख लेंगे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग FIR लिखने आए? बिल्लो बता रहे हैं ना हम। ओके ओके मैडम सर, ये सब लोग FIR लिखवाने आए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे थाने में जो इतने सारे लोग FIR लिखाने आए? ये लोग अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए रिपोर्ट लिखवाने? गए थे मैडम सर, लेकिन वहाँ उनका मजाक बना के उन्हें भगा दिया गया, ये बोल के कि ऐसा भी कोई केस होता है क्या? देखिए ना मैडम, ये तब से रोए जा रहा है, हम इसको तब से पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है बताओ, तो बता भी नहीं रहा है। बोलता है कि हमको और किसी थाना से उम्मीद है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस स्टेशन इन्हें सीरियसली नहीं ले रहा? जी तो अब बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैडम सर, ये संजय शर्मा है, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैडम, मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या है? संजय शर्मा है, आगे बोलिए। दिल्ली से हूँ। बिल्डर है, ये भी पता है, अब आगे बोलेंगे? मैडम मेरे साथ ना ठगी हुई है। मैडम कल एक आदमी ने मुझे रानी महल भेज दिया। क्या रानी महल? वो शहर के पास जो प्राचीन महल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर, कोई आपको उसे कैसे बेच सकता है? फर्जी पेपर दिखा के। हाँ भैया, आपका भी पेपर देख लिया जाएगा, थोड़ा शांत रहिए ना, प्लीज धीरज रखिए। मैडम बेचा ही नहीं, महल के 1.5 करोड़ ले गया। 1.5 करोड़? वो मोल भाव नहीं किया क्या आपने? मोल भाव करने के बाद 1.5 करोड़। मैडम कल जब मैं महल गया तो वहाँ के सेंटर प्लेस का शाही फुहारा ही गायब था, और मैडम चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने ठग दिया। और अब आपके साथ क्या हुआ? मैडम आई एम जॉन, कुछ दिनों पहले कनाडा से आया हूँ, वो शाही फुहारा मुझे बेच दिया 1 लाख रुपये में। नेक्स्ट डे पता चला मेरे साथ चीटिंग हुआ है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, रानी महल और शाही फुहारा? एक मिनट, ये सब हो कैसे सकता है? हो चुका है मैडम सर, और आप इन लोगों के किस्से सुनेंगे ना तो और भी हैरान हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, आपका भी किस्सा सुन लेंगे, आप थोड़ा शांत रहिए ना। किसी को सरकारी दफ्तर बेचा गया मैडम सर, किसी को होटल, किसी को जहाज, किसी को ट्रेन, किसी को नदी का पानी तक बेचा गया है। मुझे मेरा ही घर भेज दिया।
ये लोग कहते हैं वो इतना शातिर है, बात करने में इतना चालाक है वो, कि सुई को भी तलवार बताकर बेचने की काबिलियत रखता है, और पेपर वर्क भी इतना पुख्ता कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ मैडम, वो आदमी कुछ भी बेच सकता है, और शब्दों का मायाजाल ऐसे रचता है कि खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। आदमी वो ही करता चला जाता है जो वो चाहता है, और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अमर टोपा हो क्या सबके सब? इतना अकलमंद समझदार इंसान हो और ठग के चक्कर में आ गए हो? नहीं मतलब खुद का अकल, खुद का कोई सही गलत कुछ हिसाब है कि नहीं है? या कोई भी चूरन बनाएगा और चूरन बन जाएंगे आप? ट्रेनिंग में हमने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ाई की थी। ये नॉर्मल फ्रॉड से बहुत अलग तरीके का फ्रॉड होता है। ये ठग एक अलग ही दुनिया बनाकर ऐसे मासूम लोगों को ठग लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ठग लिया गया है। बहुत ही सोचा समझा और परफेक्ट सेटअप बनाया जाता है, और काम करते ही आदमी हवा की तरह फुर हो जाता है। संतोष शर्मा, स्केच बनाइए। मैं? जिस आदमी ने इन्हें ठगा है उस आदमी का स्केच बनवाइए, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। ओके, आप लोग प्लीज जाइए, इनकी मदद करिए। हाँ चलो चलो। भैया उधर कहाँ? चलिए ना, हम है ना, हम लिखते हैं आपका कंप्लेन। आइए चलिए, इधर से निकलिए। चलिए 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 भैया, आप लोग चलिए चलिए, आराम से आइए। तजुर्बा कहता है हमारा कि अंधेरे में कभी भी कोयला नहीं ढूंढा जाता, और यही है इस फ्रॉड की सबसे अहम कार्यशैली। इस तरह के फ्रॉड कभी भी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा नहीं आने देते। हो ना हो, इस एक आदमी ने इन दोनों को अलग अलग रूप में ठगा है, अलग अलग गेटअप में। देखिएगा, अभी हमारे पास दो अलग अलग स्केच आएंगे, लेकिन एक ही आदमी के। आप ठीक कह रही थी मैडम सर, ये दोनों स्केच देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग इंसान के जरिए ठगी के शिकार हुए। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही आदमी है, अलग अलग गेटअप में। मिस्टर जॉन, मिस्टर संजय, आपको उस आदमी के बारे में कोई अलग सी चीज याद है? कोई बात करने का तरीका, कोई अंदाज, या फिर कोई फिजिकल मोमेंट, कुछ भी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो? अंगूठी। अंगूठी मतलब क्या? हम समझे नहीं अच्छे से, अंगूठी क्या? उनके सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। यस, उस रिंग पर लाइन बना हुआ था। उस वक्त हमें उलझाते वक्त उसने उस रिंग को घुमाया था, ऐसे ऐसे। अब अंगूठी को ऐसे ही घुमाएगा ना? ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। सनी अभी नहीं प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। अब शहर में इतनी ठगी हो रही है तो एक स्टोरी तैयार कर रहा था। अब अगर आपका रोशन ख्याल मिल जाता तो इस गरीब का भला हो जाता। तो कहिए मैडम, क्या कहेंगे आप इन केसेस के बारे में? कहना क्या है, चूहा है मक्खन के टुकड़े खा के बिल में घुस गया, उसको बिल से निकालना है और उसको सबक सिखाना है। हमें इस आदमी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने नोटिस किया कि जिन लोगों को इसने लूटा है वो कोई राह चलते लोग नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वो इन लोगों को रानी महल और शाही फव्वारा बेच सकता है तो सोचिए वो कितना शातिर होगा। वो शर्तियां जानता होगा कि हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। करिश्मा सिंह, हमारी राय में फिलहाल आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी, ये केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ एक मिनट भाई साहब, आपको बताते हैं। हमको ऐसे क्यों लग रहा मैडम सर कि आपको इस केस में रुचि नहीं है? अगर ऐसा बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये केस लेने में। आप चाहे तो हमें इस केस का जिम्मा दे सकती हैं। इसका मतलब केस आप ले रही हैं? आप प्लीज शांत रहेंगे। करिश्मा सिंह, शिकारी के पीछे हटने का मतलब शिकार छोड़ देना नहीं होता। कई बार शिकारी दो कदम पीछे हटता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। निश्चिंत रहिए, इस केस में हमारी दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी आपकी। तो केस आप ले रही? सर दो मिनट प्लीज। मैडम सर, डीएसपी साहब बार बार फोन कर रहे हैं, आपको और करिश्मा मैडम को फंक्शन में जाना था। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको केस कौन ले रहा है। रुकिए जरा, अब बैठिए बैठिए बैठिए। चले चलिए मैडम सर। हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। अब तक ये समारोह लखनऊ शहर के सभी पुलिस थानों के सभी पुलिस कर्मियों भाइयों के साथ मिलकर मनाया जाता रहा है, किंतु इस महामारी के कारण हम कुछ ऑफिसर के उपस्थिति में ही ये समारोह मनाने जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हैं।
इस पुरस्कार वितरण समारोह का प्रेस्टीजियस अवार्ड बेस्ट थाना इन द सिटी, और वो थाना है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और वो ऑफिसर है इस थाने की इंचार्ज SHO हसीना मलिक। सर सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माइक पे। अच्छा कहो कहो। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी कभी भी किसी एक की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है, और हमारे थाने की कामयाबी के पीछे है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। ये अवार्ड दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर हालत में, हर कीमत पर अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम की बैकबोन को, हमारी टीम की सबसे कर्मठ और समर्पित ऑफिसर को, SHO करिश्मा सिंह। आप सब जानते हैं कि हम स्पीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नर्वस या जाते हैं माइक को देखकर। क्या करें, स्ट्रेट इंसान है ना, स्ट्रेट बात बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोल डालते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा कभी कोई बात किसी को बुरा ना लग जाए। पर आज इस मौके पे ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो मान सम्मान और इज्जत आप लोगों ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि प्राण देकर भी उसका मान हम रखें और कभी भी इस थाने के स्वाभिमान पर आँच ना आने दें। हम सब जानते हैं तुम्हारे थाने में चीटिंग का केस आया है। अपने लेवल पे जो बन पड़े, जितनी तहकीकात हो सके वो करो, लेकिन ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है पिछले 8 सालों में ऐसे कई केस आए विभिन्न थानों में, जानते हो कुछ हाथ भी नहीं आया, थाने की बदनामी हुई सो अलग। 4 SHO तो मुझे सस्पेंड करने पड़े इस ठगी के केस के चक्कर में। अरे वो सॉल्व भी नहीं कर पाते थे तो हमको जो है सस्पेंड कर देना पड़ता था। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, ये आनंद है। जानती हो 2010 का सबसे होशियार कैंडिडेट। उस साल के सभी एग्जाम में आनंद ने ऑलमोस्ट टॉप किया था। अरे वाह, तो फिर कहाँ है आपकी पोस्टिंग अभी? आपने ठीक से सुना नहीं मिस मलिक, सर ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने टॉप किया था। फिजिकल में आई साइट 0.1 वीक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सॉरी, हमें पता नहीं। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, भाग्य में नहीं था फोर्स में शामिल होना, किसी का क्या दोष इसमें है ना सर। चलता हूँ सर, मिलता हूँ। ठीक है खुश रहो, अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह रहे थे? सर आप वो ठगी के केस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलना नहीं किसी को, वो ठग हमको भी एक बार उल्लू बना चुका है। पीतल का एक पुराना बर्तन बेच गया हमको। सर आप पुलिस वाले होकर? अरे भाई पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। फिर सर फिर क्या किया आपने? अरे भाई उसका क्या करना था, उसका कुछ करके अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना था। हाँ सर, लेकिन अगर क्राइम होगा तो रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट होगी तो कार्यवाही होगी, और अगर कार्यवाही होगी तो अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ना सर। और सर अभी अभी आपने हमें बेस्ट थाना का अवार्ड दिया है तो इस सम्मान का लाज तो रखना पड़ेगा, और पकड़ना पड़ेगा उस ठग को जिसने आपको भी नहीं छोड़ा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है। हम जानते हैं कि फिलहाल फर्जी कागजात के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर कि हम उसे हाथ से जाने दें।
कुछ ना कुछ हमारे हाथ आएगा ही जो हमें उस तक पहुंचाएगा जरूर। कब तक छिपेगा सर वो, कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही है। संतू जी हमारे साथ फोटो ले लीजिए ना। संतू जी क्या है कि हम अम्मा को भेजेंगे ये वाला फोटो। वाव, एक तीर से दो शिकार, बहाने बहाने फोटो भेजी जाएगी और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी, है ना? एक सेकंड, फोटो खींच के अम्मा को भेजने से बात आगे कैसे बढ़ेगी? अम्मा जड़ बुद्धि। क्या हुआ? मोर पंख। पुष्पा जी बाल बाल। हाँ पता है ना तुम लोगों को करिश्मा मैडम कैसी बाइक चलाती है, तो हम कह रहे थे कि इसकी अम्मा तुम्हारी फोटो देखेगी, तुम्हें पसंद करेगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। कौन सी बात, यही तो पूछ रही हूँ। काश हमारा लल्ला इतना समझदार होता और शादी से पहले हमने तस्वीर देख ली होती। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जय मैडम। जय। हम यही सोच रहे थे कि बाइक पे जो हमारा मैटर चल रहा था उसका कंटिन्यूटी यहाँ मेंटेन कैसे नहीं हुआ। क्या बोल रही थी आप, फोटो देख लिया होता? नहीं देख भी लेती तो क्या हो जाता। संतू जी इन लोगों का तो चलता रहता है ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं। आइए लीजिए। थैंक यू संतू जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, अंतिमता तुझे स्वीकार कर ही लिया। स्वीकार किया कि अपराध किया बिलौटे हैं? और तुम्हारी शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो बे। हम लोग सेल्फी ले रहे थे, अदरक खाना कितनी घटिया भाई यार, चाय बनाई आपने, आपको पता है? आपको जी ना, आप हो गया आप सबका। जय मैडम सर। जल्दी जाओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? कल ही हमारे थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है और आज आप लोग केस सॉल्व करने की बजाय, कोई क्लू ढूंढने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय इस तरह बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह हम डिपार्टमेंट की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हमारे पास सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ कुछ चंद फर्जी कागज और चेहरे के नाम पर दो आधे अधूरे स्केच, ऐसे केस सॉल्व करेंगे हम? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.